So that's what we wanted to take up. This is aromatic, this is scented. Scented. मैं अपने रूम में बालियां रखे हूँ सर, पूरा रूम महकता है. काला नमक हमने जून महीने में मणिपुर से मंगाया था. और काला नमक की विशेषता है ये कि ये जिंक और आयरन इसमें बहुत ज़्यादा है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, ये ज़रूरी है जो इसमें उपलब्ध है. दूसरा, ये औषधीय गुणों से परिपूर्ण है. तीसरा, ये डायबिटीज फ्री है, यानी इसमें स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट कम है. डीएम साहब, किसानों की आवाज़ को लेकर किस तरह की प्रयोग किया गया था, कितना सफलता दिखाई दे रहा है ब्लैक राइस के रूप में? यहाँ पर ब्लैक राइस की वैरायटी पहली बार जनपद चंदौली में आकांक्षात्मक ज़िला यानी एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट होने के बाद किसानों में सीड्स का, बीजों का वितरण करके करवाया गया. तो आज उसी की क्रॉप कटिंग के लिए यहाँ पर आए थे और बहुत अच्छी फसल यहाँ पर हुई है ब्लैक राइस की. किसान जो है यहाँ पर उन्होंने जैविक खाद का भी प्रयोग किया है उसमें, और बिना किसी कीटनाशी दवाइयों का इस्तेमाल किए बहुत अच्छी फसल हुई है. और हुआ था, और आई थी मेनका गांधी, तो डीएम साहब थे, डीडी साहब थे, उनके समक्ष जो उन्होंने कहा कि आप लोग ब्लैक राइस की खेती करिए, उससे जो है किसानों की आय दुगनी होगी. तो पूर्व डीडी आरके सिंह थे, तो उन्होंने बहुत प्रयास से जो है इसको पीलीभीत से मंगाया था. और चाक आहो नाम से प्रजाति का नाम है चाक आहो. और उसके बाद वहीं से 1 किलो बीज जो है हम विभाग से लिए थे 500 रुपया किलो, और ला करके इसकी नर्सरी डाले थे. क्या कैसे आम, जैसे आमतौर पे जो पानी और फसल खाद, हाँ वही बीज, इसमें दवा तो खाद और रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशक.